दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हम बार बार उसे कोसते हैं कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कुछ समझ नहीं आ रहा, गलतियों पे गलतियां होती जा रही हैं, कुछ तो ठीक मेरे साथ हो ही नहीं रहा। हम ऐसी बातें करते रहते हैं और ये बात राइट है कि जब आपके साथ एक प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ हजारों प्रॉब्लम आती ही चली जाती और हम और परेशान होते ही चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन करिए, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूंगा कि एक दिन एक राजा जी के यहाँ चोरी हो जाती है तो वो एक पंडित को बुलाते हैं और उनसे सारी बातें कहते हैं। तो पंडित कहता है कि राजा जी, जो भी होता है ना, भले के लिए होता है। इस बात पे राजा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बताओ हमारे घर में चोरी हो रही है और ये कह रहे हैं कि जो भी होता है भले के लिए होता है। उन्होंने सिपाही से कहलवा के उसको जेल में डलवा दिया। कुछ दिन बीतते गए, अचानक राजा जी का मन हुआ कि चलो आज शिकार पे चलते हैं। तो राजा जी ने एक दो सिपाही लिए, गाड़ी में बैठे और निकल गए। रास्ते में जब जा रहे थे तो किसी नुकीली चीज से उनका एक अंगूठा कट जाता है और हिरन की तलाश में वो अपने सिपाहियों से भटक जाते हैं। अचानक उन्हें जंगल में एक शेर दिखता है और उसे जान बचा के वो भागने के चक्कर में वो गिर जाते हैं और उनका सर टकरा के वो बेहोश हो जाते हैं वहां पे। शेर आता है उनके पास और दिखता है कि उनका हाथ कटा हुआ है और शेर किसी दूसरे का शिकार कभी नहीं खाता। तो शेर उन्हें छोड़ देता है और वो वापस वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद सिपाही वहां पहुंचते हैं, राजा जी को उठाते हैं। तब राजा जी को होश आने के बाद ये समझ आता है, आज अगर मेरा अंगूठा नहीं कटता तो आज मेरी जान चली जाती। तब वो घर जाते हैं और पंडित को बाहर निकालते हैं और उनसे माफी मांगते हैं और सच कहते हैं कि जो भी होता है कुछ ना कुछ भले के लिए होता है। और ये बातें बिल्कुल सही हैं कि अगर आप सही मायने में सोच के देखें तो आपके साथ जितने भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिस सिचुएशन में अभी हैं या आपके लिए अच्छे के लिए हो, शायद ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास्ट को देखिए और वहां पे जाके ये देखिए जितने भी आपके साथ ऐसे बुरे इंसिडेंट हुए हैं, कुछ गलत हुआ है, अगर वो चीज नहीं होती तो जिस स्टेज पे आप खड़े हैं, जो रास्ता आपने चुना, क्या वो सही नहीं है। आई एम श्योर 70-80% टाइम वो डिसीजन, वो मोड बिल्कुल सही रहा होगा। और एक बहुत ही सुंदर सी लाइन आज सुबह किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे करा कि उलझने मीठी भी हो सकती हैं, जलेबी इस बात का जिंदा मिसाल है। तो ये बात राइट है कि अगर आपके जीवन में उलझने बहुत सी आ रही हैं, एक बार रिलैक्स होके सोचिए तो सही कि क्या मैं इस चीज से कोई सही मायना निकाल सकता हूं या नहीं। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। तो हमेशा इट्स ऑल फॉर द बेस्ट, जो होगा भले के लिए होगा, ये बात आप कहते रहिए। आई एम श्योर बुरे में भी कुछ ना कुछ सही आपको दिखेगा और उसे आप लेके आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि दोस्त, लास्ट में एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति देखकर समझ आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो पर कभी भी अपने आप को टूटने मत देना, वरना ये दुनिया है साहब, जब टूटने पर भगवान को भी घर से निकाल देते हैं तो फिर हम और आप क्या चीज है। तो ये रियलिटी है, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें सही ढूंढिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आपने अपने आप को इस चीज से तोड़ लिया तो ये जमाना है साहब एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमेशा अपने आप को बना के रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।